हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13 ऑफ यूनिट 3 प्राइसिंग डिसीजंस। एज वी ऑल आर फेमिलियर विद द वर्ड प्राइस, प्राइस क्या होता है? प्राइस वो एक्सचेंज वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि एक सेलर अपने कस्टमर से चार्ज करता है। और वो चार्ज किस लिए करता है? जो वो बेनिफिट्स देता है, जो वो सर्विसेज देता है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट वो सेल करता है या किसी भी तरीके के बेनिफिट्स देता है, उस रिटर्न में जो वो मनी चार्ज करता है उसे हम प्राइस कहते हैं। अब आते हैं प्राइसिंग पे, प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है एक कंपनी के लिए, कंपटीशन फेस करने के लिए, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रमोट करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए और अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। बेसिकली जो कंपनी होती है, कंपनी स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करती है या फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करती है। स्कीमिंग पॉलिसी क्या होती है? स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी का वो का मतलब है कि यहाँ पर इनिशियल स्टेज में जब हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनिशियल स्टेज में कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है बहुत हाई रखती है, ताकि वो इनिशियल स्टेज में ही ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न कर सके। जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स आते जाते हैं फिर वो बाद में प्राइसेस को कम कर देती है, ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में टिका रहे। इन केस ऑफ पेनिट्रेशन पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, बहुत लो प्राइस फिक्स किया जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज में। किस लिए किया जाता है? ताकि मार्केट शेयर जो है उनका बढ़ जाए। स्कीमिंग पॉलिसी में वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए हाई प्राइस रखते हैं इनिशियल स्टेज में, और पेनिट्रेशन पॉलिसी में इंट्रोडक्शन स्टेज में ही जो प्राइस होता है काफ़ी लो रखा जाता है, ताकि जो कंपनी है वो अपनी एक इमेज क्रिएट कर सके, अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके। जब प्रोडक्ट पॉपुलर होने लगता है तो प्राइस वो धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो अपने कंपटीशन से भी बाहर रहते हैं, अपना मार्केट शेयर भी बढ़ा लेते हैं और उनका जो ब्रांड होता है वो भी प्रमोट हो जाता है। बेसिकली इंटरनेशनल प्राइसिंग डिसीजंस में हमारे 4 एस्पेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फैक्टर्स और ऑब्स्टिकल्स इन इंटरनेशनल प्राइसिंग, प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग कोटेशंस एंड डंपिंग। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ऑब्स्टिकल्स और फैक्टर्स इन इंटरनेशनल प्राइसिंग। इसमें सबसे पहले आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब है कि बहुत से नेशंस में क्या होता है, गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर्स फिक्स करती है, प्राइस सीलिंग्स फिक्स करती है। प्राइस फ्लोर मतलब कि अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं नेशन में उनका प्राइस बहुत कम रखना, प्राइस सीलिंग मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा रखना। ज़्यादातर क्या करती है, गवर्नमेंट की डंपिंग को चेक करने के लिए एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है, ताकि फॉरेन कंपनीज जो हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को किसी भी तरीके से एलिमिनेट ना कर सके, डिस्ट्रॉय ना कर सके और मोनोपोली पोजीशन में ना आ पाए, इसलिए वो एक मिनिमम रेट भी फिक्स कर देती है। कुछ नेशंस ऐसे भी होते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन का मतलब वो रेट ऑफ प्रॉफिट जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है, कुछ नेशंस में ऐसा भी होता है। देन इज कि गवर्नमेंट की जो टैरिफ और टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, इनको भी कंसीडर किया जाता है जब इंटरनेशनल प्राइस हम फिक्स करते हैं। टैरिफ और टैक्स रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो होता है उस नेशन का वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट पे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि जो प्रोड्यूसर होगा वो अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देगा और अल्टीमेट बर्डन जो है वो कस्टमर के ऊपर आ जाएगा, तो प्राइस उसको ही पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये सब्सिडीज़ जो होती हैं ये प्राइसिंग को अफेक्ट करती हैं। कैसे अफेक्ट करती हैं? कि अगर कोई भी किसी भी नेशन की गवर्नमेंट सब्सिडी लगाती है फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वहीं पर उसी नेशन के अंदर उस जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट जो होती है बहुत नेशन की टैक्स कंसेशन भी देती है। टैक्स कंसेशन वो क्यों देती है कंसेशन? ताकि एक्सपोर्ट्स को वो प्रमोट कर सके। अगर टैक्स मुझे ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना पाऊँगी और मेरे को चार्जेस ज़्यादा पे नहीं करने पड़ेंगे, और इससे क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस भी कम रहेगा। देन कम्स द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में आती हैं कि एक्सचेंज रेट का अप्रिशिएट होना, यानी कि एक्सचेंज रेट का बढ़ना, मतलब वैल्यू बढ़ना, और डेप्रिसिएशन इज़ कि एक्सचेंज रेट में किसी एक करेंसी की वैल्यू कम होना। तो ये भी कंसिडर की जाती हैं जब हम इतना इंटरनेशनल प्राइस को फिक्स करते हैं, तो एक्सचेंज रेट अफेक्ट करता है हमारी इंटरनेशनल प्राइसिंग को। वो कहता है कि अगर किसी भी अगर एक्सपोर्टिंग नेशन की वैल्यू ऑफ करेंसी जो है, करेंसी उसकी करेंसी की जो वैल्यू है, अगर वो अप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्टर को क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब उस लॉस को कवर करने के लिए एक्सपोर्टर क्या करता है, अपना एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडियन एक्सपोर्टर था,
उसको यूएसए में डॉलर 1000 का कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करना था. उसका एक्सचेंज रेट था, उसमें एक्सचेंज रेट $1 की वैल्यू थी ₹50. अब यहाँ पे एक्सपोर्टर जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई उसको 50,000 इस एक्सपोर्ट ऑर्डर से मिलेगा, पर इंडियन करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है. एप्रिशिएट का मतलब होता है कि होस्ट कंट्री की वैल्यू फॉरेन कंट्री करेंसी वैल्यू से कम हो जाना. ठीक है, तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट यहाँ पे चेंज हो गया, एप्रिशिएट हुआ, $1 की वैल्यू हो गई ₹45. तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को कितने मिलेंगे सेम कंसाइनमेंट के लिए, ₹45,000. तो वो इस 5,000 के लॉस को, जो भी पहले था 50 की, वो 50 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो गया तो उस केस में उसको 45,000 मिले. तो इस 5,000 के लॉस को जो एक्सपोर्टर है वो कैसे कवर करेगा, कि वो अपने प्राइसेस को इन फ्यूचर बढ़ा देगा. थर्ड फैक्टर जो हमारी इंटरनेशनल प्राइसिंग को अफेक्ट करती है वो होती है होस्ट कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस. ग्लोबल कंपनीज जो होती हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस, होस्ट कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को कंसिडर करती है जब वो फिक्स प्राइस करती है. अब इसके अंदर क्या आती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, की वहाँ की नेशनल इनकम, वहाँ की पर कैपिटा इनकम, लोगों की परचेजिंग पावर वहाँ के सिटीजन्स की कैसी है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है. अगर कोई प्रोडक्ट मैं एक पुअर कंट्री में सेल कर रही हूँ तो ग्लोबल कंपनी को कैसी प्राइसिंग रखनी होगी, लो प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करनी होगी. अगर मैं गुड्स किसी रिच नेशन में भेज रही हूँ, लाइक अमेरिका है, चाइना ही डेवलप्ड नेशंस है, तो यहाँ पर अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करूँगी तो मैं हाई प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करूँगी. अगर मैं किसी ऐसी पाकिस्तान जो है वो डेवलप्ड नहीं है अभी तक, इंडिया डेवलपिंग है, तो वहाँ पे अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट सेल करूँगी ऐसे नेशंस में, तो मैं अपनी लो प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करूँगी. फोर्थ फैक्टर आता है हमारा लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन होस्ट नेशन, कि लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कैसा है होस्ट नेशन में. अगर होस्ट नेशन के अंदर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत हाई है तो वहाँ पे जनरली हम क्या करेंगे, लो प्राइस रखेंगे ताकि मैं अपनी जगह बना सकूँ होस्ट नेशन की मार्केट में. ठीक है, और एक अच्छा मार्केट शेयर भी मुझे मिल जाए. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसमें वो कहता है ग्लोबल कंपनी के, अगर ग्लोबल कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ एडिशनल फीचर्स है एज कम्पेयर टू देयर कंपिटिटर्स प्रोडक्ट, तो वो अपना हाई प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरे प्रोडक्ट में ज़्यादा फीचर्स हैं कंपिटिटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में. तो वहाँ पर क्या हो गया कि वो अपने प्राइस का, मतलब अपने प्रोडक्ट के ऊपर हाई प्राइस रख सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं. कॉस्ट जो होता है वो प्राइम फैक्टर होता है प्राइस फिक्सेशन में. कॉस्ट में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, स्टोरेज कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें हमारी कॉस्ट के अंदर आती हैं. जनरली प्राइजेज जो होते हैं वो कॉस्ट प्राइस से अबव ही फिक्स किए जाते हैं, बट शॉर्ट रन में ग्लोबल कंपनी जो होती है वो बिलो कॉस्ट रख सकती है प्राइस, ताकि उसको मार्केट में वो अपनी एंट्री ले सके और कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट कर सके. सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एंट्री लेने के लिए, मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए वो जो है कॉस्ट से कम अपना प्राइस रखती है. जितनी कॉस्ट उनको लगती है बनाने में उस प्रोडक्ट को, उससे लो रखते हैं. इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, बायलेटरल, मल्टीलेटरल. बायलेटरल मतलब जो दो नेशंस के बीच में हुआ, मल्टीलेटरल जो दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में हुआ. तो ये ग्लोबल लेवल पे जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं ये भी कुछ ना कुछ कंडीशंस जो होती हैं इम्पोज कर देते हैं प्राइस के ऊपर. तो जब भी ग्लोबल कंपनी को क्या करना होता है, इन एग्रीमेंट्स को ध्यान में रखना होता है अपने प्राइस को फिक्स करने के लिए. ऐसा भी होता है कि किसी एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो और इतना ही प्राइस रखोगे अगर आप हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे, तो ट्रेड एग्रीमेंट्स में ऐसा कुछ होता है तो वही उनको फॉलो करना होता है. देन इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये भी अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को. तो इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. जैसा कि अगर वो सिर्फ ग्लोबल मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं तो ग्लोबल कंपनी क्या करेगी, अपने प्राइस कम रखेगी. उसको सिर्फ मार्केट में जगह बनानी है अपनी, उसे अभी प्रॉफिट अर्न नहीं करना, तो वो अपने प्राइसेस लो रखेंगे. अगर ग्लोबल कंपनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहती है जो भी उसने बनाया है या फिर सब कुछ, मतलब एटलीस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट को कवर करने लायक वो अपना प्राइस रखेंगे कि भाई हमने इतना इस पे कॉस्ट लगाई है, हमने इतना सेटलमेंट, इतना सेटअप लगाया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी कवर हो रही होगी थोड़ी बहुत, उतना ही वो प्राइस रखेंगे. अगर ग्लोबल कंपनी जो है, ठीक है, जितना उसने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर वही इन्वेस्टमेंट रिटर्न वो चाहती है, तो वो अपना प्राइस जो होती है वो रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग रखती है जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है. अदर फैक्टर्स में मेरा आता है डिमांड इलास्टिसिटी एंड इमेज ऑफ पेरेंट कंपनी एंड कंट्री. तो इसके अंदर हमारा आता है, अब हम देखते हैं डिमांड इलास्टिसिटी. वो कह रहा है अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है तो हाई प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं, अगर डिमांड इलास्टिक है
तो हम लो प्राइस चार्ज करेंगे। यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड कब होगी, जब बायर की जो डिमांड है प्रोडक्ट के लिए, जितना प्राइस बढ़ता है उतनी नहीं बढ़ती उसकी डिमांड। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट का प्राइस 20% से इंक्रीज़ हो रहा है पर डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की वो 1% से इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पर डिमांड इन इलास्टिक हो गई। जब इलास्टिक होती है डिमांड, तब क्या होता है, जो भी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो हमेशा प्राइस से ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइस जो है 20% से इंक्रीज़ हुए तो उसकी डिमांड बाय 30% इंक्रीज़ होगी। अब जो है पेरेंट कंपनी या पेरेंट कंट्री की जो इमेज होती है वो भी इंटरनेशनल प्राइसिंग को अफेक्ट करती है। कैसे करती है, कंपनीज जिनकी अच्छी ग्लोबल कॉरपोरेट इमेज है या किसी प्रेस्टीजियस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं तो वो हाई प्राइस रख सकते हैं। ऑफन कंपनी जो कि डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्री से हैं, वो अपना जो प्राइस है वो हाई फिक्स नहीं कर सकते, इवन इफ़ देयर प्रोडक्ट्स आर बेटर देन द प्रोडक्ट्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस। कि अगर उनका प्रोडक्ट डेवलप्ड नेशन से भी अच्छा है तो भी वो फिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी ग्लोबल कॉरपोरेट इमेज अच्छी नहीं है। नेक्स्ट कम्स द प्राइसिंग पॉलिसीज। हमारी 3 टाइप्स की प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। इस इंटरनेशनल मार्केटर्स को इनमें से कोई भी एक प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करनी होती है, अडॉप्ट करनी होती है। फर्स्ट आती है हमारी स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी। स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी कौन सी होती है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो सेम प्राइस पर ही हर नेशन के बायर को सेल करेगा। जैसे क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर जो होते हैं वो स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। वो FAS यानी कि फ्री अलॉन्गसाइड शिप या फिर फ्री ऑफ रेल, मतलब ये वाला भी हम आगे पढ़ेंगे, तो सारे नेशंस के लिए ये सेम रहता है। सिमिलरली बोइंग कंपनी जो होती है, बोइंग कंपनी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि एयरप्लेन्स, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, सैटेलाइट्स को डिज़ाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, यूजुअली ये स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी जो है अडॉप्ट करते हैं कि ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर डिफरेंट एयरलाइंस को पूरे वर्ल्ड वाइड में सेम प्राइस पर अपनी एयरलाइंस सेल करते हैं। ये पॉलिसी कैसे मार्केटर्स अडॉप्ट करते हैं, जिनका स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट इज टू टायर प्राइसिंग पॉलिसी। टू टायर से ही हमें पता चल रहा है कि कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट 2 प्राइसेस पर सेल करेगी। लोअर प्राइसेस कोटेड इन द डोमेस्टिक नेशन ऑफ द एक्सपोर्टर, कि एक्सपोर्टर जिस कंट्री से बिलोंग करता है वो अपनी कंट्री में लोअर प्राइस पर सेल करेगा और हाई प्राइस वो होस्ट फॉरेन नेशन से चार्ज करेगा। फॉरेन सेल्स हायर प्राइस क्यों चार्ज किया जाता है, कि फॉरेन कंपनी से फॉरेन नेशन में क्यों हाई चार्ज करेगा, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे होते हैं तो उनको कवर करने के लिए। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो सकती हैं, इंपोर्ट ड्यूटी हो सकती है, डॉक चार्जेस हो सकते हैं। फिर हमारी आती है मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब है यहाँ पे हम पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को अप्लाई करते हैं। पॉलीसेंट्रिक मतलब जैसी मेरी मार्केट वैसा मेरा प्राइस, ठीक है। सेपरेट चार्जेस यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट नेशंस में। बेसिकली हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़ है। मर्सिडीज़ का USA में अप्रॉक्स 39 लाख से स्टार्टिंग होती है मर्सिडीज़ की USA में, बट इन इंडिया ये 57 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर जैसी मार्केट जैसा नेशन, मतलब यहाँ दोनों अलग अलग नेशन है, दोनों से अलग अलग वो चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है, मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है। अब आते हैं प्राइस कोटेशंस पे। प्राइस कोटेशंस जो होती हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सेवरल एस्पेक्ट्स का आइडिया देता है, जैसे कि प्राइस, डेट ऑफ डिलीवरी कब डिलीवर होना है, पेमेंट की टर्म्स मेरी क्या हैं, मुझे टर्म्स ऑफ सेल में डिस्काउंट कितना मिल रहा है, क्या क्रेडिट मिल रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डेस्टिनेशन प्लेस। तो ये सब चीज़ें हमें प्राइस कोटेशन से पता चलती हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा आता है एक्सवर्क्स। एक्सवर्क्स को हम क्या कहते हैं, एक्स फैक्ट्री गेट प्राइस भी बोलते हैं। इस कोटेशन में क्या होता है, प्राइस जो है प्रोडक्ट की फैक्ट्री से, जहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है वहीं से ही कोट किया जाता है। बायर जो होता है, जो खरीद रहा होता है, वही सारे एक्सपेंसेस बियर करेगा, कहाँ से, एक्सपोर्टर के फैक्ट्री पॉइंट से लेके अपने डेस्टिनेशन तक। सपोज़ इंडिया से कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है तो इंडिया के पोर्ट से या एयरपोर्ट से या रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर अमेरिका के पोर्ट, रेलवे या प्लेटफॉर्म जहाँ तक वो जा रही है डेस्टिनेशन प्लेस तक, वहाँ तक के सारे एक्सपेंसेस जो है वो बायर बियर करेगा। बायर यानी कि वो इम्पोर्टर, जहाँ अमेरिका का जो इम्पोर्टर है वो बियर करेगा।
इसको हम एक्सपेक्ट्रीगेट प्राइस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हम प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड करते हैं और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका फॉर्मूला है यहाँ पे एक्सपेक्ट्रीगेट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द प्रोड्यूसर। फिर आते हैं फ्री अलॉन्ग साइड शिप और फ्री ऑन रेल। तो इस कोटेशन में क्या होता है, एक्सपोर्टर जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू द डॉक, मतलब वो अपने ही प्लेटफॉर्म तक। अभी भी हमने इंडिया और अमेरिका का एग्जाम्पल लिया, तो इंडिया का जो एक्सपोर्टर है वो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म तक या डॉक पोर्ट जहाँ तक भी वो सामान उसका जा रहा है, लोड होके जाएगा जहाँ तक, वहीं तक के चार्ज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बियर करेगा। इम्पोर्टर जो बियर करेगा वो जब तक उसकी डेस्टिनेशन पे सामान पहुँचेगा उसके सारे चार्जेस जो है वो एक इम्पोर्टर बियर करता है। इस प्राइस में हम क्या एक्सक्लूड कर देते हैं, जो फ्रीट चार्जेस होते हैं, रेल का फ्रीट हो गया या शिप का फ्रीट हो गया जो भी है दोनों में से, या ट्रांजिट की जो इंश्योरेंस कॉस्ट होती है वो एक्सक्लूड कर देते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉस्ट एक्सक्लूसिव फ्रीट प्राइस। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स फैक्ट्री गेट प्राइस प्लस पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस एट फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एट डॉक, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, हैंडलिंग चार्जेस एट सी पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो वो भी इंक्लूड करते हैं। फिर आता है फ्रीट और कैरिड पेड और कॉस्ट एंड फ्रीट। इस कोटेशन में क्या होगा, एक्सपोर्टर जो होगा वो इंपोर्टर के सी पोर्ट तक जब तक सामान नहीं पहुंच जाएगा तब तक का फ्रीट कौन पे करेगा, एक्सपोर्टर पे करेगा, पर जो इंश्योरेंस चार्जेस होंगे ट्रांजिट के वो इंपोर्टर पे करेगा। इसका फॉर्मूला होता है FOR यानी कि फ्री ऑन रेल, या फिर FAS फ्री अलॉन्ग साइड शिप, जो भी अगर बाय रेल जा रहा है तो हम FOR कंसीडर करेंगे, अगर शिप से जा रहा है तो FAS प्लस फ्रीट इन ट्रांजिट। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रीट, इन दिस कोटेशन एक्सपोर्टर एग्रीज टू बियर फ्रीट चार्जेस। यहाँ पे एक्सपोर्टर जो होता है वो एग्री करता है कि फ्रीट के जो चार्जेस होंगे ट्रांजिट में वो मैं पे करूँगा और इंश्योरेंस चार्जेस भी मैं पे करूँगा। इस कोटेशन में इंपोर्टर जो होगा वो रिस्क भी जो होगा वो बियर करेगा, और जो एक्सपेंसेस उसके पोर्ट पे पहुंचने के बाद होंगे वो अपने मतलब वेयर हाउस तक ले जाने में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा कुछ भी लगेगा तो वो इंपोर्टर बियर करेगा। इसका फॉर्मूला होता है C&F यानी कि कॉस्ट इन फ्रीट प्लस इंश्योरेंस चार्जेज इन ट्रांजिट। फिर नेक्स्ट आते हैं डिलीवरी ड्यूटी पे। इस कोटेशन में क्या होता है, एक्सपोर्टर एग्री करता है कि मैं सारे एक्सपेंसेस बियर करूंगा, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम क्लियरिंग चार्जेस है, ब्रोकर फी और कमीशन है, जो अप टू द फाइनल डेस्टिनेशन जब तक सामान नहीं पहुंच जाता तब तक जितने चार्जेस लगेंगे जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो एक्सपोर्टर बियर करता है। इसको हम लैंडेड प्राइस भी बोलते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, CIF प्राइस, ठीक है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रीट प्लस अनलोडिंग चार्जेस एट डेस्टिनेशन प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस फीस पेड टू क्लियरिंग एजेंट। लास्ट हमारा इसमें सिक्स्थ आता है मेरा फाइनल प्राइस और फैन को। अगर DDP यानी कि डिलीवरी ड्यूटी पेड प्राइस में हम सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर देते हैं, अप टू द गोडाउन ऑफ इंपोर्ट एजेंट, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ इंपोर्ट एजेंट, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अदर मार्केट इंडिया भी, जैसे कोई भी होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ये ऐड कर दिए जाते हैं, तो इस प्राइस को हम क्या कहते हैं, फाइनल प्राइस टू कंज्यूमर। ये जो प्राइस होता है ये अल्टीमेट कंज्यूमर बियर करता है, ये प्राइस जो होता है अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचता है, इसे ही कंज्यूमर पे करता है। इसका फॉर्मूला होता है फाइनल प्राइस का लैंडेड प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू इंपोर्ट एजेंट्स वेयर हाउस प्लस इंपोर्ट एजेंट्स प्रॉफिट मार्जिन प्लस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अदर मार्केट इंटरमीडियरीज लाइक होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द डंपिंग। डंपिंग क्या है, डंपिंग एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है। इस प्रैक्टिस में क्या होता है, इस प्रोसेस में कि जो प्रोडक्ट होता है वो फॉरेन मार्केट में सेल किया जाता है बहुत ही लो प्राइस पर, अनरीजनेबल लो प्राइस पे सेल किया जाता है। अंडर डंपिंग जो हमारी ग्लोबल कंपनी होती है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती है एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मार्केट्स में। यहाँ पे मार्केट डिफरेंट है, प्राइस डिफरेंट है, पर प्रोडक्ट जो है वो सेम है। बेसिकली यहाँ पे डंपिंग में ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी लो प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना या अनरीजनेबल लो प्राइस पे सेल करना। इसका ऑब्जेक्टिव डंपिंग का मेनली ये होता है कि हमें अपनी सरप्लस प्रोडक्शन जो होती है फॉरेन मार्केट में जाकर सेल करनी होती है, ख़त्म करनी होती है इनिशियली लो प्राइस पे, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डैमेज करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है डंपिंग का, और बाद में प्राइसेस को अपने इंक्रीज कर देते हैं।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डंपिंग. टाइप्स ऑफ डंपिंग में आती है सबसे पहले मेरी प्रीडेटरी डंपिंग. प्रीडेटरी डंपिंग का मतलब है यहाँ पर सेलर जो है अपने प्रोडक्ट को लॉस पे फॉरेन मार्केट में जाके सेल कर देता है, ताकि जब वो फॉरेन नेशन में जाएगा तो वहाँ का कंपटीशन ख़त्म करने के लिए और ख़ुद मोनोपोली पोजीशन में आने के लिए अपने प्रोडक्ट को लॉस पर सेल कर देता है. ये टाइप ऑफ डंपिंग जो होती है ये थोड़े टाइम के लिए अडॉप्ट की जाती है. जैसे ही वो फॉरेन जो फॉरेन मार्केटर है जब वो मोनोपोली पावर में आ जाता है तो अपने प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉरेन मार्केट में जाके हाई कर देता है. फिर मेरी आती है स्पोरेडिक डंपिंग. ये डंपिंग होती है जब मैन्युफैक्चर जो है अपने अनसोल्ड स्टॉक से छुटकारा पाना चाहता है. एक्सपोर्टर जो क्या करता है, होस्ट नेशन में अपने गुड्स को बहुत ही लो प्राइस पर सेल कर देता है. ये यूजुअली वहाँ पर होती है जहाँ पे एक्सपोर्टर जो है रूटीनली मतलब टाइम से अपना जो स्टॉक है वो नहीं सेल करता, नहीं निकालता, तब स्पोरेडिक डंपिंग अडॉप्ट की जाती है. परसिस्टेंट डंपिंग. परसिस्टेंट डंपिंग में क्या होता है, गुड्स जो होते हैं वो एक मार्केट में बहुत ही लो प्राइस पे सेल किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, और ये लंबे समय तक चलता है. ठीक है, इसका टोटली ऑब्जेक्टिव होता है डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन को अपने ही नेशन में विद इन होस्ट नेशन ख़त्म करना. फिर आती है रिवर्स डंपिंग. रिवर्स डंपिंग क्या होती है, गुड्स जो होते हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर लो प्राइस पर सेल किए जाते हैं और फॉरेन मार्केट्स में हाई प्राइस पर. इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो होम मार्केट में कंपटीशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं. डंपिंग जो है एक इलीगल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. इसका मेनली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनको कंपटीशन ख़त्म करना होता है, फॉरेन मार्केटर को मोनोपोली पोजीशन में आना होता है, कंज्यूमर्स को लंबे समय तक के लिए एक्सप्लॉइट करना होता है. अगर डंपिंग किसी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को होस्ट नेशन की डैमेज पहुंचाती है तो WTO जो होता है उस ग्लोबल कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेता है. बहुत सी कंट्री की गवर्नमेंट है जिन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई हैं ताकि वो और डंप्ड गुड्स जो है उनका प्राइस बढ़ाया है ताकि वो लोग डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें. थैंक यू सो मच.